आप ये सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं दुनिया में, समाज में यह धारणा फैली हुई है कि डर एक तरह की खूबी है। डर कोई खूबी नहीं है, डर आपको सबसे बदसूरत प्राणी बना देता है। आपके जीवन का सबसे बुरा अनुभव शायद डर ही है, क्योंकि डर हमेशा किसी ऐसी चीज का होता है जो अभी तक हुई नहीं है। डर किसी ऐसी चीज का होता है जिसका अभी कोई अस्तित्व नहीं है। क्या होगा, इसी का डर होता है। क्या होगा आपको नहीं पता। जब आपको नहीं पता कि आप पेपर में क्या लिखने वाले हैं, वो चीज जो आपने साल भर सीखी है, फिर भी आपको नहीं पता कि आप क्या लिखेंगे, अगर यह हालत है तो आपके जीवन में क्या होगा, निश्चित रूप से आपको नहीं पता, है ना? Yes. लेकिन आप सारी बुरी चीजों की कल्पना कर रहे हैं जो परीक्षा के बाद होंगी। नहीं, परीक्षा के बाद एक बढ़िया छुट्टी मिलने वाली है। Yes. फिर एक दिन आएगा जब रिजल्ट अनाउंस होंगे। अब बात बस ये है कि आप स्कूल कुछ सीखने जा रहे हैं या आप स्कूल कुछ साबित करने के लिए जा रहे हैं। आपको ये फैसला करना होगा, हर किसी को करना होगा। आप आश्रम आए हैं कुछ जानने के लिए या कुछ साबित करने के लिए, आपको यह तय करना होगा। अगर आप किसी जगह खुद को साबित करने के लिए जाते हैं तो बीमारी बैठ जाएगी, असफलता और सफलता की बीमारी आपके अंदर बैठ जाएगी। वो इंसान जो सीखना चाहता है उसके लिए ना तो कोई असफलता होती है ना कोई सफलता होती है, बात केवल कोशिश की होती है। किसी को एक दिन में समझ में आ जाता है मुझे 10 दिन लग सकते हैं और किसी को 100 दिन लग सकते हैं, ये बस कोशिश करने की बात है। अगर आपकी दिलचस्पी सीखने में है तो कोशिश करना भी एक सीख है। लगातार कोशिश करने के काबिल होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है ना? तो कुछ साबित करने की कोशिश मत कीजिए, अपनी याददाश्त को सुधारने की कोशिश न करें। प्लीज, आप स्कूल किसी बेकार चीज को याद करने के लिए नहीं गए, बल्कि कुछ सीखने के लिए गए हैं, अपने जीवन के क्षितिज का विस्तार करने के लिए गए हैं और अपने चारों ओर के इस अस्तित्व के बारे में कुछ जानने और समझने के लिए गए हैं। विज्ञान यही है, गणित यही है, सब कुछ यही है। आज आप जो पढ़ रहे हैं वो कोई विषय नहीं है, वो जीवन के अलग अलग हिस्से हैं। शायद इसे बहुत ही नीरस तरीके से पेश किया गया है, मगर फिर भी वो जीवन है। Yes. Whether you study... चाहे आप फिजिक्स पढ़ें या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या सोशल साइंस या ज्योग्राफी, आप ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो आपके जीवन के दायरे को बेहतर बना सकती है। आपको इसे सीखना होगा, अगर इसे रट लेते हैं तो ये किसी भी रूप से आपके जीवन को रूपांतरित नहीं करेगा। तो आप वहां सीखने गए हैं, अगर आपने सीख लिया है तो क्या दिक्कत है? आपको जो आता है आप लिखिए, आपको जो नहीं आता आप पड़ोसी से कॉपी करने वाले हैं? मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, थोड़े अंक ज्यादा या कम पाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप कितना सीखते हैं इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। कितने फंडामेंटल्स आपने अभी अच्छे से समझे हैं इससे बहुत फर्क पड़ेगा। फिलहाल उसी पर ध्यान दीजिए, आप कितनी समझदारी से, कितने बढ़िया तरीके से, कितनी काबिलियत से अपना जीवन जीते हैं, यही महत्वपूर्ण है। आप कितना याद रखते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे एक भी चीज याद नहीं है, इसीलिए मैं यहां बैठकर आपके साथ गप्पे मार सकता हूं किसी भी चीज के बारे में, क्योंकि कुछ याद रखने का कोई बोझ नहीं है।